देख रहे हैं एक खास मुलाकात। आज हमारे बीच में मौजूद है भाजपा के भाजपा और हिंदुवादी नेता राजू चंदेल जी। तो आइए करते हैं उनसे कुछ खास बातें। सर, आप एक हिंदुवादी नेता है और आज हमारे देश में पूरे भारत में आज मुसलमान लोग हैं वो अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो हर चीज से डरते हैं, पता नहीं क्यों, उसके पीछे का कारण क्या, आप मुझे उसका वजह बताएंगे। देखिए प्रियंका जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो एक सच्चा देशभक्त है। ये देश जो है ये एक गुलदस्ते की तरह है, इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के रहते हैं और इससे बड़ी मिसाल पूरे विश्व के अंदर कहीं नहीं है। आज पूरे शांति प्रिय तरीके से जो मुसलमान आजादी के साथ हिंदुस्तान में रह रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है और रोजगार कर रहा है। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज हिजाब को लेकर के हिंदुस्तान की जो छवि है उसको खराब करने के लिए जो टुकड़े टुकड़े गैंग है ये रूप बदल बदल के हिंदुस्तान और भाजपा की छवि को खराब करने का जो इन्होंने बीड़ा उठाया है, मोदी जी की जो नीतियां हैं उनका विरोध करने के लिए इनके पास कोई विकल्प नहीं है। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की आड़ लेके सरकार को और हिंदुस्तान की छवि को खराब करने में लगे हुए हैं कट्टरपंथी लोग। और मैं बता देना चाहता हूं राष्ट्रीय आपको कि आज हिजाब का कोई भी हिंदू संगठन देश को सच्चा नागरिक इसका कोई विरोध में नहीं है, आपको बता देना चाहता हूं, ना ही मैं हूं। हिजाब की अपनी एक परंपरा है, आपके किसी भी धर्म के मामले में यहां हिंदुस्तान के अंदर आपको संविधान हक देता है, आप अपने मजहब का एहतराम करें और आपके किसी भी पहनावे के ऊपर किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये कर्नाटक हाई कोर्ट का डिसीजन है, उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एजुकेशन एक्ट धारा 133 के तहत जो प्रावधान किया गया है कि स्कूलों को, शिक्षा संस्थानों को अपनी ड्रेस, अपना कोड फैसला करने का, उसका फैसला निर्णय लेने का अधिकार है, किसी सरकार को नहीं। उसके मामले में कोई राजनीतिक दल राजनीतिक रोटियां ना सेके और हिंदुस्तान की छवि को खराब ना करे। हिंदुस्तान का कानून सबके लिए समान है। जय श्री राम।